जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एमपीआईटी फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो अब आपको क्या करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको जो 28 जून को मेरिट लिस्ट आने वाली थी वो 29 जून को सुबह के समय जो कि आपकी अनाउंस की गई थी, और जब दोस्तों आप अपना अलॉटमेंट लेटर चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी कॉलेज नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको कोई भी संस्था अलॉट नहीं की गई, तो ऐसी कंडीशन में अब आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड वगैरह सब कुछ डाल के लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से, और लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको सूचित किया जाता है कि आपकी रैंक और आपके द्वारा भरे गए विकल्पों के अनुसार प्रथम राउंड में आपको कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई, यानी कि आपने जो चॉइस फिलिंग की थी उन चॉइस फिलिंग जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए थे, ठीक है, और आपकी जो रैंक आई थी यानी कि जो परसेंट के आधार पर जो आपकी रैंक आई थी उसके आधार पर आपको क्या है दोस्तों कि कोई भी कॉलेज यहाँ पर अलॉट नहीं किया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो आपकी रैंक थी और जो आपकी परसेंट थी और जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किए थे उनसे आपकी परसेंट मैच नहीं हुई है, यानी कि जो कॉलेज के कट ऑफ हैं वो हाई गए हैं और आपकी जो परसेंट या रैंक है वो कम है, इस वजह से आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों अब आपको केवल और केवल अगले राउंड का इंतजार करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं, कृपया अगली सूची की प्रतीक्षा करें। अब अगली सूची कब आएगी यानी कि जो सेकंड राउंड की लिस्ट है वो कब आएगी और सेकंड राउंड में हमें क्या करना है? यहाँ पर अगर हम बात करें जो सेकंड राउंड की जो लिस्ट है हमारी कब आएगी, 6 जुलाई। जैसा कि देख पा रहे हैं, द्वितीय चयन सूची जारी करना, तो 6 जुलाई को हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और इसमें ना तो हमें रजिस्ट्रेशन करना ना हमें चॉइस फिलिंग करना, डायरेक्ट हमारी मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, डायरेक्ट हमारी मेरिट लिस्ट आएगी। जैसे कि 28 जून को हमारी मेरिट लिस्ट आई है, आपने चेक किए, ठीक उसी प्रकार से आपको 6 जुलाई को मेरिट लिस्ट आएगी। अब जो 6 जुलाई की जो मेरिट लिस्ट आएगी ना, आप सोचेंगे किस बेसिक पर आएगी, तो वो आएगी दोस्तों आपने जो फर्स्ट राउंड में दोस्तों चॉइस फिलिंग की है, आपने फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग की है ना उसी बेसिक पर आएगी। आपने फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए थे, ठीक है, उसी के आधार पर आपकी सेकेंड राउंड की लिस्ट अनाउंस की जाएगी जो कि हमारी 6 जुलाई को आएगी। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है आपको। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।